मोदी जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, तुम्हारे आने से पहले सारे मर्द और सारे लड़के छुप गए। मिश्रा से चालाक की। हाँ, ला रे माइक दे। मुबीनपुरे वालों, अरे तुम लोगों की मत कैसे हुई परिवार नियोजन के सरकारी फरमान को ठुकराने की? नसबंदी के इस प्रोग्राम में सरकार का साथ दो, समझे? एमरजेंसी में सरकार से पंगा लेने का मतलब है ऊपर वाले से पंगा लेना। इसलिए जितने भी मर्द और लड़के छुपे हुए हैं, चुपचाप सराफत से बाहर आके वैन में बैठ जाओ और हमारे साथ हेल्थ सेंटर चलो, समझे? नूर, चुपचाप बाहर आ जाओ रे सारे के सारे। जब भागते हुए पकड़े गए तब कुत्ते की मौत मारे जाओगे साड़ो। फायरिंग का ऑर्डर है, मार दो रे। चुपचाप बाहर आ जाओ। ऐसे ना मानने, तू एक काम कर नूर। जनाब, घर में घुस के एक एक को बाहर निकाल और वैन में बिठा। चलो के मीसा के तहत ऑपोजिशन के दो और लीडरों को जेल में डाल दिया। प्रेस सेंसरशिप है भाई, अखबार में सब अच्छा ही छपता है। वो क्या है? सुनने में चाहे कुछ भी है, देखो। मैं तो बुकिंग कराना आई थी ना दी। हां जी, मैं अभी आती हूं। हेलो। हेलो, कौन सा कट करना है जी आपको? साधना कट, हेलन कट या फिर बॉब कट?
टाइल कोई भी हो, आप बस ऐसा कुछ करो कि मैं कॉन्फिडेंट दिखूं। कोई गल नहीं, मैं कर लांगी। मैं इंदु, शादी के बाद इंदु सरकार, उससे पहले सिर्फ इंदु। जब से मैंने होश संभाला, अपने आप को अनाथालय में पाया। मैं वहां बाकी बच्चियों में खास थी, सबसे खूबसूरत। बेटा कोई कविता सुनाओ। कोयल। लेकिन मेरी हकलाती हुई जबान मेरा वर्तमान बनके मेरे भविष्य को वहीं पे रोक लेती थी। करते करते मैं एक एक करके सबको मुझसे दूर जाते हुए देखती रहती थी। मैंने अपनी तन्हा जिंदगी को किताबों में दफन कर दिया। मुझे बहुत पढ़ना था, स्कॉलर बनना था। स्कूल की पढ़ाई करते करते पता नहीं कब मैं कविताएं लिखने लगी। कभी हंसता नहीं, कभी रोता नहीं, ये शहर आवारा कभी सोता नहीं। 13-14 साल की उम्र में सोचा कि मैं कलम की उंगली थामे जिंदगी गुजार लूंगी। मैं एक लेखिका बनूंगी या फिर शायरा। इंदु, तुम ये कवि बनने का सपना छोड़ दो बेटा। हकीकत को समझो इंदु, कवि बनने से कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कवियों की किताबें कौड़ियों के मोल बिक जाती हैं। तुम वही करो जो हिंदुस्तान की सारी लड़कियां करती हैं, शादी ब्याह रसोई और बच्चे। नवीन, मेरे साथ ही रहना प्लीज। डोंट वरी, मैं हूं ना। चलो। ये पल में संभल, ये पल से निकल। ओ नवीन जी, ओ वेलकम जी, ओ पापी जी, नमस्ते जी, वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। अच्छा, इनसे मिलो, ये है बाजवा जी, दिल्ली के बहुत बड़े बिल्डर। ना जी, कोई बहुत बड़े बिल्डर ना जी, साढ़े एक ही पहचान है सरकार कि हम नवीन जी के यार। वैसे बाजवा जी, आपने काफी शानदार पार्टी थ्रो किया है उमना जी के लिए, बड़े खुश होंगे सर। एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूं। हां जी बिल्कुल। सांसे तो है बहता पानी, रुकती कहां आने जाने, बाकी तो सब कुछ कहानी। अरे यार, ठंड पड़ रही, पूछो लो सुरेंद्र, सारा काम ठप हो गया। आ गए नवीन सरकार। ये जो है ना, अपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ओमनाथ के एकदम खास है, और ओमनाथ जी अपने चीफ के। यार देखो, एमरजेंसी में सिर्फ दो ही लोगों की चलती है, एक तो पुलिस मैन की और एक यस मैन की। सही कहा त्यागी जी। वो है मिस्टर कपूर, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम पंजाब। हेलो नवीन। राम मोहन जी, इंदु, इनसे मिलो, ये है मंजू कुशवाहा, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन, और ये है राम मोहन जी, डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड। नमस्ते भाभी जी, नवीन से आपके बारे में सुना था, आज मुलाकात भी होगी। ओए एक्सक्यूज मी, ओ भाभी जी, थोड़ी परमिशन हो तो मैं नवीन जी से 2 मिनट अकेले में गल कर सकता हूँ। थैंक यू। नवीन जी, कुछ बात बड़ी मंत्री जी से।
बाजवा जी, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। 3 महीने से लगे हुए हैं, तब जाके इतने बड़े बड़े लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है। जितने भी पेपर्स है, ब्रीफिंग्स है, सब मैंने ओमनाथ जी को फॉरवर्ड कर दिया। समझो तुर्कमान का प्लान पास हुई थी। मंत्री जी आ गए। अरे बाजवा साहब, वेलकम सर। कैसे हो? मैं सब फेमस से मैं आई वो धनवान जी आ गए। सब ठीक नीरज? कौन किसके साथ है यहाँ, इसकी नहीं है खबर। हमारी एनिवर्सरी के लिए बाजवा साहब पार्टी तो बहुत ही शानदार दिया। बस आपकी सेवा का मौका मिल गया जी। थैंक यू सर। आपकी शादी के सालगिरह पर मेरी मिसेस ने आप दोनों के लिए कविता लिखी, अगर आपकी इजाजत हो तो वो सुना सकती है सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आई लव पोएट्री। एक मिनट सर, आइए सर। आइए आइए। बस एक मिनट। खुशबू से छलकती चंदन सी शाम आई है, चाहत की दास्तां धरती पे उतर आई है। माथे पे मेरी बिंदी छुई तो यूं लगा था, हाथों में उनके मेरी किस्मत की रेखा छाई है। आधी सी रात तेरी, आधा सा चांद मेरा, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो ही डाली किसी ने तोड़ डाली। वेरी नाइस, गुड। नाउ से एनेस्थीसिया, से ई या एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, गुड। ई या, ई या, वेरी गुड। आज के लिए बस इतना ही। पुष्पा जी, क्या लगता है? बहुत फास्ट सीख रही हो इंदु, दिस इम्प्रूवमेंट, गुड। पर कब तक बोलना पूरी तरह ठीक हो जाएगा? जल्द ही, यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू। एनजीओ इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करती है। आशा करता हूं कि आज यहां से बहुत अच्छी लग रही हो, चलो अब वर वधू बन के जाएंगे। वो देख इंदु, राजेश खन्ना जैसा दिख रहा है ना, आराधना वाला। चुप, बागों में बहार है। अरे इंदु, इंदु कहाँ तक पढ़ी हो? बीए। कुंडली है? जरा चल के तो दिखाओ जी। हमें देखना है चलने में कोई खोट तो नहीं है। चलने में नहीं, बोलने में खोट है। कब से है ये बीमारी? बचपन से, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा जी, फिर मिलते हैं, चलो। आप हर बार खुद ही चलकर लड़कियां देखने आते हैं और खुद ही हर एक को मना करके चले जाते हैं, बात क्या है? ठीक है, मत बताइए। वैसे पहली मुलाकात में यूं बाहर आने के लिए शुक्रिया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, शुरू कीजिए ना प्लीज। कहां से शुरू करूं? नाम नवीन सरकार, भारत सरकार में सेक्शन ऑफिसर हूं। कलकत्ता से यहां तक आके बड़ी मुश्किल से सेंट्रल सर्विस एग्जाम पास किया ताकि एक सिक्योर्ड सरकारी नौकरी मिले, मिल गई। फैमिली कलकत्ता में रहती है, बस और कुछ? मैं तो खाना शुरू करने को कह रही थी। भूख नहीं है, पर भूख क्या होती है वो मुझे पता है। बड़ी मुश्किल से भूख और गरीबी से रिश्ता टूटा है, पर अब बस, अब मुझे पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, बड़ी सी कोठी चाहिए। और शादी? शादी क्यों नहीं की अब तक? करनी तो है, पर कोई भी लड़की आपको पसंद नहीं आती? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली 100 में से 99 लड़कियां मुझे मेरी समझ में नहीं आती। तो क्या मैं वो एक लड़की हूं? वैसे मेरा इलाज चल रहा है, सच में। नहीं नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम जिंदगी से क्या चाहती हो? मैं बस एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, सुंदर सा घर बसाना चाहती हूँ, और कोई खास सपना नहीं है। आप शुरू कीजिए ना प्लीज। बातें बाद में करेंगे।
अच्छा प्लीज आओ तो मैं घर तक छोड़ देता हूँ। तुमने बॉबी देखी है? जी। बॉबी देखी है तुमने? मिलेंगे फिर कभी? जरूर। अच्छा नंबर दिया था, याद रहेगा ना? वो कैसे भूल सकती हूँ। ओके गुड नाइट। आधी सी रात तेरी आधा सा चांद मेरा वक्त ने ये कितनी हंसी गजल सुनाई है। इंदु ओमना जी बड़े खुश हुए तुम्हारी कविता सुन के। वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए कविता लिख दो उनके बिजनेस फेडरेशन स्पीच के लिए। सच में इतनी अच्छी लगी मेरी कविता? अच्छा लिखना, क्योंकि वो ओमना जी है जिनकी वजह से मैं स्कूटर से ये एम्बेसडर तक पहुंचा हूं। आज हमारी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इमरजेंसी में पूरे देश भर में आग लगी हुई है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अरे आग तो क्या, धुआं तो क्या, एक मामूली सी चिंगारी तो दिखाओ। हां पर एक आग जरूर लगी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल में मशाल बनकर चल रही है, सपनों के भारत के निर्माण की आग। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, हमारी सरकार के 20 सूत्र कार्यक्रम में जी जान से जुट जाइए और हमारा पूरी शिद्दत से साथ दीजिए। आज के मौजूदा हालात पर मेरी चंद पंक्तियां हैं पेश करना चाहूंगा। ये देश नहीं झुकने वाला, अब ये देश नहीं रुकने वाला। यहां बच्चा हो या बूढ़ा हो, आजादी से जीने वाला वो दुर्गा है, वो दुर्गा है जिसने दुश्मन को है घुटने पे ला डाला, देती है अमृत देशवासी को, खुद पीती है विष का प्याला। ये देश नहीं झुकने वाला, ये देश नहीं रुकने वाला, नहीं रुकने वाला। वाकई अच्छी कविता लिखी है ओमना जी ने। जवाब भी ओमना जी पुरा के लोगों के साथ इस सरकार ने ठीक नहीं किया है। हद है सरकार के दमन की, कब तक चलता रहेगा ये? शिवम घबराओ मत, नाना जी के नेतृत्व में इस देश में दूसरी आजादी आके रहेगी। नमस्कार विठल जी। नमस्कार। साहित्य तैयार है? अच्छा कुछ दिन रुक जाओ मैं बताता हूँ। जी बेहतर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राजू बाकी खाते में डाल देना। जी ये चार लाइन निकाल के बाकी सब छाप दो। कितनी बार कहा है सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छपेगा, बताइए अपना आर्टिकल। ये भड़काऊ कोर्ट नहीं चलेगा,
ये आपके पत्रकार लोग आपके प्रेस पे ताला मरवा के रहेंगे। पर सर ये कोट तो गांधी जी का है। कलमवीर, इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। ओमनाथ, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे फ्लाइंग क्लब जाना है। जी, आइए। बोलो ओमनाथ। चीफ, बिजनेस फेडरेशन में मैंने पर्सनली देश के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स सभी के सिग्नेचर्स करवा लिए हैं सरकार और इमरजेंसी के सपोर्ट में। गुड। और सर, यह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग कॉलोनी और 5-स्टार होटल बनाने का प्लान तुर्कमान गेट जैसे दिल्ली के सेंट्रल इलाके में। आपको याद होगा सर, इसके बारे में हमारी बात हुई थी। वो कौन सी कविता थी ओमनाथ? तुर्का दुश्मन को संभालो घोटनों पे ले आओ, क्या क्या लिखा था, किससे लिखा था? मैंने लिखी थी सर, दिल से। आपने? अरे लगता है कि सारे मिनिस्टरों में सिर्फ आप ही एक है जो काम करते हैं। ओमनाथ जी, अगर आप नहीं होते तो हमारी सरकार ही गिर जाती है ना। सर है ना फरजाना, चीफ नया नया मुसलमान दो बार ज्यादा ही नमाज पढ़ता है। अच्छा तुमने क्या किया है? नाथ कुमार, माय सो कॉल्ड यंग टर्क्स, क्या किया है तुमने? क्या कहा था मैंने तुमसे करने को? 350 नसबंदियां अपने अपने चुनाव क्षेत्र में। क्या हुआ? नसबंदी सुन के बोलती बंद। कभी कभी मुझे लगता है कि फरजाना तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली है, वो भी एक औरत होके। ऐसी बात नहीं है चीफ, आपके 5 सूत्रीय प्रोग्राम के लिए हम सब जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। अच्छा तो 5 सेकंड में मुझे बताइए मेरा 5 सूत्रीय प्रोग्राम क्या है। साक्षरता, झुग्गी झोपड़ी हटाकर ब्यूटिफिकेशन, नसबंदी और दहेज प्रथा और जाति प्रथा का खात्मा। जी आज से आपका टारगेट 350 है, 700 नसबंदियां हैं। और जरूरत पड़ने पर खुद की भी करवा लेना। चीफ वो क्या है कि नसबंदी के चलते देश में चारों ओर बवाल हो रहा है। भारत की प्रगति के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। ओमनाथ, योर प्लान्स अप्रूव्ड। थैंक यू चीफ, थैंक यू सो मच। काफी वक्त, 2 घंटे हुए। 2 घंटे से बैठे हैं, पता नहीं कब आएंगे। आ गए साहब। नमस्ते साहब। साहब, हम लोग तुर्कमान गेट इलाके से आए हैं। मैं श्यामलाल खत्री हूँ, ये खाजा अब्बास और ये मोहम्मद यूनुस। काम बोलो। साहब वो नोटिस आया है कि पूरी की पूरी बस्ती को हटाया जा रहा है। साहब तो ऐसे बस्ती के इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? साहब हम तो बंटवारे के बाद से वहाँ रहते आ रहे हैं। 500 प्रोग्राम के बारे में सुना है आप लोगों ने? सरकार ने फैसला ले लिया है। साहब इस उम्र में हमें हमारी जड़ों से क्यों खा रहा है साहब? गैर कानूनी बस्ते हैं वो सब। नहीं साहब, गैर कानूनी नहीं है, हमारे पास कागजात है, राशन कार्ड है, वोटिंग लिस्ट में नाम है। इस सरकार को वोट दिया हमने। जी हाँ, शराफत से जगह खाली कर दो और उसके बदले में सरकार जहाँ घर दे रही है चुपचाप वहाँ चले जाओ। सरकार ने कहा अपनी बस्ती से 400 लोगों की नसबंदी करवा दो, करवा दी, फिर भी निकाल रहे हो जनाब?
साहब ये तो सरासर ज्यादती है। ज्यादती नहीं है, जरूरत है। मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। ऊपर से ऑर्डर है, बस्ती तो टूटेगी ही। साहब देख लेते हो। मंजूर, एनडीएमसी से भगत सिंह मार्केट का ब्लूप्रिंट आया होगा, फटाफट भेज दो और मेरे लिए कप चाय। जी। और कुछ? केरोसिन कब मिलेगा हमें? कब से खड़ा कर रखा है यहाँ पे? जमा करके रखा है क्या? एक हफ्ते से धक्के खा रहे हैं दुकान के। तो खा धक्के? थोड़ा सा तो मिट्टी का तेल दे दो भैया, दो दिन से बच्चे घर पे भूखे हैं। मिट्टी का तेल कहाँ से लाऊं बहन जी? सरकार के गोदाम से आएगा तब न दूंगा। ट्रक वक्त तो बहाना है, जमाखोरी करने में लगे हो तुम सब। ए जमाखोरी के बच्चे, दो पीढ़ी से चांदनी चौक में दुकान लेके बैठे। अरे इमरजेंसी में अच्छा ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया है। ये इमरजेंसी की बात है, सरकार से करो। चलो हटो यहाँ से। मिश्रा जी, ये जी तुर्कमान गेट का इलाका देख रहे हैं जी। अभी आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि यहाँ की ये सारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़नी है प्यूरिफिकेशन के लिए। अच्छा जी। मिश्रा जी, एक बार आप इस बस्ती को साफ करवा दो तो यहाँ दिल्ली का सबसे हसीन 5-स्टार होटल बनेगा। जी इंडिया गेट से रेड फोर्ट तक का सारा नजारा लश्कारा मारेगा खिड़की से। इस प्रोजेक्ट में मंजू कुशवाहा जी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से डेमोलिशन ऑर्डर दिलवाएंगे, राम मोहन जी टीडीए से प्लान पास करवाएंगे जी, और बाजवा जी की कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी। और नवीन सरकार, मेरी ओर से 1 point कॉन्टैक्ट। जाली गुड जी, जाली गुड। अरे कौन कहता कि देश में एकता नहीं है, हम सब मिल बांट के ही तो काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है जी, हो जाएगा। नवीन सर, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार अपने मामा की चिट्ठी लेकर मेरे पास आए थे और मैंने तुमसे पूछा था कि 2+2 कितने होते हैं? तुम्हें याद है तुम्हारा जवाब क्या था? याद है सर, आपको कितने चाहिए उतने हो जाएंगे। आई लाइक दैट अबाउट यू, ऑलवेज डिड। थैंक यू सर। नवीन, ये दिल्ली शहर की कड़ी धूप में जो बड़ी भीड़ देख रहे हो ना, इस भीड़ में सभी को एक मौका चाहिए, सिर्फ एक, और वो मौका तुम्हें मिला है नवीन। इमरजेंसी के रहते हुए अपने सपने पूरे कर लो नवीन। आई विल सर। शुक्रिया। ये आंखों के नीचे गड्ढे क्यों आ रहे हैं? गड्ढे नहीं, सपने देखने के साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमें नहीं देखने ऐसे सपने। ऐसे मत बोलो इंदु, अभी तो मौका है सपने पूरे करने का। हमारा खुद का घर, बड़ा बैंक बैलेंस, बुढ़ापे की बचत, सब कुछ बस 2 कदम दूर, सिर्फ 2 कदम। अच्छा, अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं, कोशिश तो मैं कब से कर रहा था, इनफैक्ट सपनों का पीछा कर रहा था। एक चीज मिसिंग थी। क्या? मेरा साथ? इमरजेंसी। लेकिन लोग तो सरकार को इमरजेंसी के लिए बहुत बुरा भला कहते हैं। हा? क्या कहते हैं? यही कि कुछ सरकारी अफसर और बिजनेस वाले लोग इमरजेंसी का फायदा उठा रहे हैं। कौन है वो लोग? ऐसे ही पब्लिक। मैंने मार्केट में सुना था, राशन की दुकान पे। रास्ते पे चलती पब्लिक को क्या पता सरकार कैसे चलती है? रमेश, और औकात क्या उनकी जो हमको बोले?
नहीं, आपको नहीं बोल रहे थे। बात वो नहीं है। इस देश में लोग सिर्फ सरकार को गाली देने के लिए पैदा होते हैं और गाली देते देते मर भी जाते हैं। अरे भाई, 60 करोड़ की भीड़ है, कुछ तो भौंकेगी ना। सुनो, आजकल ट्रेनें टाइम पे चलती है, कालाबाजारी करने वाले डरे हुए हैं, और क्या चाहिए, भला बुरा बोलते हैं। सॉरी। सुनो इंदु, आइंदा मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं कहना। वंदे मातरम मिठल जी। वंदे मातरम। आइए। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब ठीक? वंदे मातरम। वंदे मातरम। शुरू करें? जी। आप लोग शुरू कीजिए। प्रिंटिंग इस बार यहाँ क्यों? डांस की आवाज में प्रिंटिंग मशीन की आवाज छिप जाती है। मिठल जी, मोबिनपुरा के अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा है ये। कुछ ही दिनों में ये पर्चे हर जगह बांट दिए हैं। सियासन खाली करो कि जनता आती है। क्या लिखा ये? थूक दिया है हम पर उन अंडरग्राउंड एक्टिविस्टों ने। हमने तो देश के सारे अखबार दबा दिए थे, है ना? फिर कहां से निकल रही है ये एक्टिविस्टों की आवाज? सर वो क्या है कि मैं प्लीज जस्ट शट अप। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि म्यूजिक क्लास की शोर की वजह से वहां किसी ने पुलिस बुला दी और उन्हें ये सब मिला। ये जहर अगर लोगों तक पहुंचता तो हमारी धज्जियां उड़ जाती। जस्ट थिंक, आजादी के लिए जिस खानदान ने अपनी सारी उम्र काट दी, आज नाक कट जाती उनकी देश विदेश में। बिलीव मी चीफ, आईबी के साथ मैं 24 घंटे टच में हूँ। यहाँ तक कि उनको सबक सिखाने के लिए हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने उस डांस क्लास को आग तक लगा दी। प्लीज मिस्टर कुमार, यू आर गुड फॉर नथिंग। सर हद कर रहे हैं सर। आप हमें हद सिखाएंगे? सर गाली मत दीजिए सर, आफ्टर ऑल मैं चुनाव हुआ एमपी हूं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। चुनाव? मम्मी के पल्लू पे लटक के टार्जन बने फिरते आप, वरना एक वोट ना मिले तुम जैसे को। सर प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट। क्या कहा आपने? हाँ, हाय। मिस्टर कुमार, आप प्लीज अपना रेजिग्नेशन इस टेबल पे रखिए, वरना मीसा में अंदर करवा दूंगा। Get out. Out. Just relax, chief. Relax. अरे कैसे रिलैक्स करूं? मम्मी अकेली गंद कब तक झेलती रहेंगी? साले कुछ चंद एक्टिविस्ट छुला छाप लड़के पजामा का नाड़ा नहीं बदल सकते, देश बदलने चले। जाओ बोलो उन एक्टिविस्ट लड़कों को, कहो कि एक दिन, सिर्फ एक दिन देश चला के दिखाए। But for now, Chief, this needs to be tackled. जनता का दिमाग ना कोरे पन्ने की तरह होता है, जो चाहे लिख दो
वो दुखी भारत उछालते हैं तो हम सुखी भारत अभियान चलाएंगे। बॉम्बे पार्टी अधिवेशन में तेजाबी कविता पढ़ी जाएगी। भारत के कली कली गांव गांव में गूंजनी चाहिए। ओमनाथ हो जाएगा चीफ, हो जाएगा। खाली कराने आए हैं, समझे? अगर कोई भी बीच में आया तो ठीक नहीं होगा। बस्ती तोड़नी है, चुपचाप खाली करो। अरे क्यों खाली करें? खाली करें। सरकार की बात है। सरकार की बात है। हटाइए ना।
इनके माँ बाप को या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार को जानते हैं? मेरे खुद के दो बेटे नहीं मिल रहे, मैं इनकी क्या सोचूं? आप कहीं और देखिए भाईजान, जो भी सामान मिले उसे समेत घर का पता चल रहा है, बच्चों का सामान। सुनिए सुनिए, आप इन बच्चों को पहचानते हैं? अपने आप से परेशान हूँ, जाइए बहन जी जाइए। सरकार कहती थी गरीबी हटाओ, यहाँ से तो गरीबों को ही हटा दिया। दिनेश आई रिपीट, कल के अखबार में एक भी लाइन, एक भी शब्द, एक भी फोटो नहीं छपना चाहिए तुर्कमान के बारे में, ओके? सर, मिश्रा जी ने फ्रेश रिपोर्ट्स भेजे हैं, कई सारे लोग मारे गए सर, और 185 को हिरासत में ले लिया गया है, और 1070 झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई है। वैसे अभी भी काफी डिमोलिशन बाकी है सर। मैंने सोचा नहीं था कि इतना विरोध होगा। बेवकूफ जनता, नवीन मुझे रात भर में शाह की रिपोर्ट्स का अपडेट देते रहना। हेलो आयंदु। नवीन कहाँ हो? ऑफिस में बहुत काम है, सुबह से पहले आ नहीं पाऊंगा। तो खाना खा के सो जाना। लेकिन लेकिन नवीन हेलो हेलो इंदु, इंदु, इनफ इंदु, क्या तुर्कमान तुर्कमान लगा रखा है? दुनिया का ये पहला हादसा नहीं है कि तब से बोले जा रही हो। लेकिन मैं बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकती थी? आपको पता है कैसे बेरहमी से पुलिस ने लोगों को मारा है? नवीन, पूरी बस्ती उजाड़ दी। तो वहां का कूड़ा कचरा यहां उठा के लाओगी? नवीन प्लीज, बच्चे सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दो ना, कौन से शहीदों के बच्चे हैं? सुनो, वो एक गैर कानूनी बस्ती थी तो पुलिस ने तोड़ दी, उनकी ड्यूटी है, प्लेन एंड सिंपल। हाँ लेकिन ऐसे कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? इमरजेंसी मतलब बस इंदु, कुछ भी बस। मैं पहले भी कह चुका हूं और आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं। सॉरी नवीन, गुस्सा मत हो प्लीज। समझने की कोशिश करो इंदु, आखिरकार मैं भी एक सरकारी नौकर हूं, पता नहीं ये लोग कहां से आए हैं, किसके बच्चे हैं। गलती से भी कोई एंटी नेशनल या नक्सलाइट के बच्चे निकले तो मेरे बने बनाए करियर पर तलवार गिरेगी यार, प्लीज। मैं समझती हूँ। सरकार ने खोल के रखे हैं ना विस्थापितों के लिए कैंप, वहां छोड़ के आओ इन्हें। और तुम चुपचाप सुखी भारत अभियान के ऊपर कविता लिखने पर ध्यान दो। ठीक है। सुनो, मैंने पराठे बनाए हैं, नाश्ता लगा दूं? नहीं, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम इन्हें छोड़ के आओगी। प्रॉमिस? और हाँ, इन्हें भी कुछ खिला देना। Thank you.
बहन जी, ये हमीद और गुल अंसारी के नाम मैंने 3 बार चेक किए हैं, लिस्ट में ऐसा कोई नाम है ही नहीं। आप त्रिलोकपुरी और रंजीत नगर के कैंप में देखिए। मैं वहीं से आ रही हूँ, वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है बहन जी, आप आगे बढ़ो, बहुत काम है। चलो आगे आओ। बहन जी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा लगेगा। थोड़ा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं। लो, ये लो, अभी लो, ले लो। मैं मेघला सिंह, यहाँ एक संगठन के साथ समाज सेवा करती हूँ। बैठिए ना। तो आप यहाँ कैसे हैं? मैं तो इन बच्चों के माँ बाप ढूंढ रही हूँ। मुझे ये तुर्कमान की भगदड़ में मिले थे। मैं भी ढूंढ रही थी अपने बेटे को कुछ महीनों पहले तक। तुम मिले? मिली लाश, पुलिस ने मार डाला। पर क्यों? यही सवाल तो 50 दिन तक मैं पुलिस से पूछ रही थी, पर क्यों जवाब तो नहीं मिला अभी तक। सॉरी। लेकिन मैं नहीं हूं। मेरे लिए तो मेरा बच्चा शहीद हुआ है सरकार से लड़ते हुए। एक गोली में मेरे जवान 6 फुट के बच्चे को 6 इंच की तस्वीर बना दी। इस सिस्टम से लड़ूंगी मैं। डर नहीं लगता? जवान बच्चे की मौत देखी है, किससे डरूं मैं? मेखला की आप बीती सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि हम कैसे दौर में जी रहे हैं, और ऐसे हालातों में मैं इन मासूम बच्चों का क्या करूं? रेफ्यूजी कैंप की हालत देखकर मैं बच्चों को वहां नहीं छोड़ सकी। मेखला के कहने पर मैं उन बच्चों के स्कूल गई। वहां पता चला कि रामपुर गांव में बच्चों के एक चाचा रहते हैं, हामिद अंसारी। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। नवीन को भी मैंने कैंप के बारे में बताया और भरोसा दिलाया कि उनके बंबई से लौटने से पहले मैं बच्चों को उनके चाचा के यहाँ छोड़ आऊँगी और सुखी भारत अभियान पे कविता तैयार कर लूँगी। लेकिन हर नया मकाम एक नया डर लेके आ रहा था। बच्चों के खुदगर्ज चाचा ने इन्हें अपने यहाँ रखने से साफ इनकार कर दिया। कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो मैंने मेखला से मदद मांगी। उन्होंने अपने समाज सेवी साथियों को मेरी मदद करने को कहा। जहां एक तरफ मेखला और उनके साथी बच्चों के माँ बाप ढूंढने में जुट गए थे, वहां मैं दूसरी तरफ सुखी भारत अभियान पर कविता लिखने में उलझी हुई थी। सुखी भारत पे कविता कैसे लिखती? जब मेरा मन तो जीती जागती कविताओं जैसे बच्चों के लिए दुखी था। वक्त की कमी होने के कारण मैंने मेखला से कहा कि हमें कुछ और तरीकों से भी पता लगाना चाहिए। सत श्री अकाल। नमस्ते। इंदु, ये सतेंद्र सोडी जी हैं। जी। इंस्पेक्टर अजमेरी गेट। इन्होंने मेरे बेटे को ढूंढने में बहुत मदद की थी। आप प्लीज इन बच्चों के माँ बाप भी ढूंढ देंगे? कितने मिले थे? कहाँ मिले थे? तुर्कमान में। देखिए, मैं ऑफिशियली आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्कमान की सारी फाइलें, सारे रिकॉर्ड्स उन फाइलों में बंद हैं जो कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन मेरे कुछ लिंक्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ, चिंता मत करो। शुक्रिया। इसमें इनका नाम, माँ बाप के नाम, सब सब है।
ये आपके पास रहते हैं? जी। सोडी साहब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, इनके जो हस्बैंड है ना वो सरकारी अफसर हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चे ज्यादा दिन उनके पास रहें। एकम तुसी करा सकते हो बस सोडी साहब। क्या नाम है उनका? नवीन सरकार। नवीन सरकार? मेघलाई तुसी ट्रैप कर रहे हो मेनू? नवीन सरकार बहुत ऊपर तक पहुंच रखता है, बहुत पावरफुल आदमी है, अगर उसको पता भी चला मैं आप दोनों को मिल रहा हूं तो। नहीं नहीं, मैं इन्हें चंगी तरह जाननी है सोडी साहब, एहो जी कोई गल नहीं है, तुसी भरोसा रखो। फड़ो इन्हें। क्यों होया? देखो मैं अपनी नौकरी का रिस्क ले सकता, अपनी जान का नहीं। सर यहाँ सारे टेंट्स लगेंगे okay. और यहाँ स्टेज बनेगा और वहां से गाड़ियां डायरेक्टली। नमस्कार ओमनाथ जी। अरे आइए आइए पाटिल जी, शुगर मिल्स कैसी चल रही है आपकी? खूब अच्छा, वैसे अधिवेशन की तैयारी भी बराबर है, 7,000 बीएस की बसों का पक्का बंदोबस्त भी हो गया है साहब, कम से कम 1,00,000 लोग अधिवेशन में होंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम है। क्या? किशोर कुमार ने अधिवेशन में गाना गाने से साफ इनकार कर दिया है। पर क्यों? कहते उनकी तबीयत खराब है। समाचार समाप्त हुए, अगला कार्यक्रम बिना का गीत माल। अरे भाई रेडियो क्यों बंद किया, अभी तो गाने आने वाले थे। क्या गाने? हाँ अरे सरकार ने किशोर कुमार के गानों को रेडियो टीवी से हटा दिया है, बैन कर दिया है। क्या बात कर रहे हो भाई, ये क्या पागलपन है? सरकार ने तय कर दिया है कि हम कितने बच्चे पैदा करें, अब ये तय कर रही है कि हम क्या कहें, क्या देखें, क्या सुनें। कमाल है। ए, शोर नहीं किशोर सुनो। वाह हो जाए। आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार बने। शौकत मैं सुबह आ जाऊंगी 8:30 बजे जी। आप पहुंच जाइएगा। हाँ जी बिल्कुल। शौकत प्रिंटिंग संभालो। हाँ जी। मेखला जी बुरी खबर है, इंदु सरकार के पास जो बच्चे हैं उनके माँ बाप को पुलिस ने मार दिया है और अपना जुल्म छुपाने के लिए उन्हें नक्सल करार दे दिया है। और ये देखिए कहा था ना जब मैं लौटूं तब बच्चे मुझे घर में नहीं चाहिए, कहा था ना। इनके माँ बाप को आप लोगों ने मारा है या?
क्या ये सच है? कहां से मिल आई है? किसने दिया तुम्हें ये सब? बड़ी रविश, सच बताओ, किन लोगों से मिल रही हो आजकल? एक्टिविस्ट लोगों से? हाँ, एक्टिविस्ट से। ये एक्टिविस्ट लोग बुढ़िया छप छप के तुम जैसों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह वो नहीं आप है नवीन, अपने सपनों को सच करने के लिए अंधे हो चुके हैं आप। तुर्कमान के बारे में नहीं पता था आपको? तुर्कमान में, देखो तुर्कमान में जो वहां, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वहां जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल के बाहर था। मुझे तो अंदाजा तक नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। बिलीव मी, मैं बेकसूर हूं। नवीन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने बड़े सरकार के सिस्टम की मशीनरी का मैं एक छोटा सा मामूली सा पुर्जा हूं। आई डोंट मैटर। और देश के विकास के लिए झुग्गी झोपड़ियां और गंद तो हटा रही है। वो गंद नहीं, इंसान है नवीन। गरीबों को जीने का हक नहीं है? तो मैं क्या करूं? नहीं, तुम बताओ मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? Try to understand Hindu. मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ कर रहा हूं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज दूर हटो मुझसे। किसके लिए लड़ रही हो? उन बच्चों के लिए? नक्सल के औलादे हैं, मरवाएंगे हमें। इस सारा झूठ आपकी सरकार ने फैलाया है। अरे बाहर में गए झूठ और सच। नसीब वाली हो कि एक सरकारी अफसर के घर में तुम्हें पनाह मिली है, वरना तुम अनाथ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अनाथालय बना डालो मेरे घर को। ये सिर्फ आपका घर है, मेरा नहीं। हाँ, तुम्हारा घर है, जरूर है, पर एक अच्छी बीवी बनके रहोगी तब तक। तुम तो कहती थी ना मुझे एक अच्छी बीवी बनना है, तो बनो। एक बात तय है कि बच्चे यहां नहीं रहेंगे। बच्चे यहां नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। अच्छा, हिम्मत है? घर छोड़ने की हिम्मत है? कहां रहोगी? हकलाते हकलाते हक मांगने से ली। डिसाइड, घर या बच्चे? बच्चे।
बेघर को घर मिलने के बाद उस घर को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई की मुश्किल यह है कि एक बार पता चल जाए तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं अपने ही देश में एक रेफ्यूजी जैसा महसूस कर रही थी। शुक्र है मेखला का जिन्होंने हमें आसरा दिया। नवीन और मेरे बीच एक ऐसी अनदेखी दीवार बन गई थी जिसे ना मैं पार कर सकती थी और ना वो। और मैं ये भी जानती हूँ कि आशियाना बदलने से पता तो बदल जाता है लेकिन तकदीर नहीं बदलती। इसलिए मैं हारूंगी नहीं, थकूंगी नहीं। और इस सोच के साथ मैंने फैसला लिया कि खौफ और असुरक्षा का साया मैं एहसान और नूर पे नहीं पड़ने दूंगी। एक बार फिर उठूंगी और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दूंगी। धन्यवाद। हमारे यहाँ आज अचानक मिलने का कारण है ये नाना जी का पैगाम। हिम्मत इंडिया संगठन के साथियों शाबाश, आप सबने तुर्कमान में नरसंहार की सच्चाई को उस लेख में क्या छाप दिया कि उससे सरकार के अंदर काफी खलबली मची हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि मीसा के तहत मेरे नाम पर वारंट जारी है, इसीलिए मैं भूमिगत हूं और जल्द ही आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी शांतिपूर्ण ढंग से धर्म युद्ध में जुटे रहिए। आपका नाना जी। क्या हुआ शिवम? कुछ हो ही तो नहीं रहा है। आपके लायक कोई नौकरी होगी तो हम आपको बता देंगे। ये यहाँ किस लिए आई थी? नौकरी के लिए। इंदु आजकल काम की तलाश कर रही है तो सोचा तुम्हें बता दूं। वैसे पति का नाम लिखा नहीं है उसने। थैंक यू। क्या क्या नहीं किया मैंने इंदु के लिए। एक अनाथ बेघर को घर दिया, सोसाइटी में इज्जत दी, बदले में उसने मुझे क्या दिया? दो सड़क छाप बच्चों के लिए मुझे छोड़ दिया। पाप भी वापस जरूर आएगी। आपके बोलने से आएगी? ना जी, मेरा आइडिया आजमाने से आएगी। तुम ये काम करो, पापी जी को तलाक की एक कड़क नोटिस टोक दो, सारी अकल निकल जाएगी, मुंह में मंगलसूत्र थामे दौड़ी चली आएगी। इंडियन औरतें अपना कर टूटते देख के टूट जाती हैं, समझे? वापस आ जाएगी ना? आप कुछ मत सोचिए, एक डिवोर्स नोटिस भेज दीजिए। ये क्या है इंदु? नवीन ने तलाक के कागज भेजे, तुमने साइन कर दिए? हाँ, शादी करते वक्त भी इतना कहाँ सोचा था जो अब सोचती। ये जो रिश्तों के भूत होते हैं ना इंदु, ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए सोच लो
अच्छी तरह सोच लो। साथ रह के तो अच्छी बीवी नहीं बन पाई, हो सकता है अलग होके सुख दे पाऊं। मैं करती हूँ। आइए। सोडी जी। बच्चों को लेने आए। सरकारी निगरानी में रखना होगा। लेके जाओ इनको। पर क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप नेक्स्ट फ्लाइट से। सोडी जी ये झूठ है। आपको नवीन ने भेजा है। छोड़िए उनको। नवीन ने भेजा है आपको। नवीन ने भेजा है ना? इमरजेंसी का वक्त है। बहस करने का टाइम नहीं है। ऊपर से ऑर्डर है। कुछ कर लूंगी सोनी जी, मैं कुछ तो कर लूंगी। आप हटिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। डालो बच्चों को अंदर। अरे नाना जी आप बैठिए। हिम्मत इंडिया के साथियों, अपनी ही मातृभूमि में गुनहगारों की तरह भेष बदल बदल कर अलाहाबाद से यहां तक पहुंचा हूं। खैर, मेरी छोड़ो मृत्यु के सामने ही नई जिंदगी है। मुझे गर्व है कि तुम सब भारत देश की दूसरी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हो। सरकार ने इमरजेंसी थोपकर जनता की जो आवाज दबाई थी, वो आज आक्रोश की फसल बनकर उग गई है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया। अब एक अनोखा मौका आया है, अ न्यू चैलेंज। गवर्नमेंट में हमारे कुछ सपोर्टर्स ने हमें बताया है कि पीएम ने फॉरेन डेलीगेट को बुलाकर गौरव सभा का आयोजन किया है। इस कॉन्फ्रेंस में बेशर्मी से झूठ बोला जाएगा और प्रचार होगा कि देश में सर्वत्र लोकतंत्र की लहर है और इस आजाद देश में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। तो हमें उन विदेशियों के सामने झूठ के इस उत्सव को उद्ध्वस्त करना ही होगा। आप सब तैयार हैं? बिल्कुल। लेकिन नाना जी, सत्याग्रह और शांति से कुछ नहीं होगा। इमरजेंसी को 15 महीने हो गए हैं और ऐसे ही चलता रहा ना, 1 साल 2 साल तो लोग मरते रहेंगे, डरते रहेंगे, हमारे लीडर्स जेल में सड़ते रहेंगे, हम लोग कब तक पर्चियां बांटते रहेंगे? स्टॉप इट शिवम। शिवम, गुस्से में बड़ी ताकत होती है। गुस्सा बचा कर रखो और याद रहे कि शुरुआत से हमने फैसला किया है कि हथियार ना उठाना ही हमारा हथियार होगा।
लेकिन हाथ जोड़ के तो हमें कभी हक नहीं मिलेगा। शिवम, अब और कोई बहस नहीं। तो हम उस विदेशी डेलीगेशन के सरकारी तमाशे में जोर शोर से विरोध करेंगे और उसकी प्लानिंग आज से ही शुरू की जाए, ठीक है? जी जी, जी बिल्कुल जी, जी नाना जी। इंदु, मेखला ने तुम्हारी आप बीती बताई। अफसोस हमारा संगठन तुम्हें उन बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटी, वो झरना होता है ना, झरना पहाड़ों से गुजर कर भी अपना रास्ता निकाल लेता है, किसी भी हालत में, किसी भी दिशा में। नाना जी, मैं समझी नहीं। मैंने सुना है कविताएं लिखती हो, अपने आक्रोश को आंसुओं में ढालकर कुछ भी लिख सकती हो। क्रांतिकारी कविताएं लिखो। इंदु, भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है, तुम वो बेटी बनो जो देश को मुक्ति का मार्ग दिखा सके। तो बोलिए मिस्टर जानी, ये फॉरेन डेलीगेट्स की गौरव सभा के लिए कितने तैयार हैं हम? ये देखिए सर, शुभ विवाह रमेश और वीना, ये किसकी शादी करने होता है? सर जरा इनविटेशन तो पढ़िए। एक्टिविस्ट लोग नकली शादी का कार्ड छापकर सरकार के खिलाफ आपस में मैटर एक्सचेंज कर रहे हैं। अरे पर ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो बताइए मुझे। वी आर ऑन इट सर। इनफैक्ट हमने कार्ड्स पर छपे एड्रेस का पता लगाकर कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है। और पकड़े गए कुछ लोगों से हमने पता किया है सर कि केटरिंग सर्विसेज के कुछ लोग हैं जो टिफिन्स में पर्चे छुपा छुपा कर घर घर भेज रहे हैं। और यहाँ तक कि सर, तिहार जेल से निकले हुए क्रिमिनल्स भी विरोधियों का साहित्य अंदर से बाहर पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसे काफी विरोधी ग्रुप का पता लगाया है और हमारी नजर है उन पर। सानी, किसी को छोड़ना मत, सबको पकड़ लो। कोई जरा सा भी शकमंद लगे उसे उठाकर जेल में डाल देना मीसा के तहत। डोंट वरी सर, पुलिस से मिलकर हम इसी में लगे हैं। बी रेस्ट अश्योर्ड, वी विल टेक केयर ऑफ द मैटर सर। ठीक है। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। सानी सर, एक बात अच्छे से याद रखना, हाई कमांड से बहुत ज्यादा प्रेशर है। फॉरेन डेलीगेट्स के सामने अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो मेरी कुर्सी तो जाएगी ही, तुम लोग भी अंडमान में नजर आओगे। गॉट इट? जी सर। मेखला के घर पुलिस पहुंच गई है। अभी यहां से जल्दी निकलिए। कौन आई है? इनको कुछ नहीं पता है, ये मेरे यहाँ पर सिलाई सीखने आती हैं। अपने कपड़े ले लेना तुम अंदर से, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलो लेकर चलो। चलो मैडम, चलिए चलिए चलो, हटो यहां से, यहां कोई तमाशा नहीं हो रहा है। हाथ से सरकती रेत की तरह सब कुछ छूट रहा था,
पहले घर, फिर बच्चे और अब मेखला का साथ, और मेरी हर समस्या की जड़ इमरजेंसी थी। मैंने ठान लिया कि अत्याचार के इस अंधकार के सामने आक्रोश का पत्थर तो तबीयत से उछालना ही पड़ेगा। साथियों, हमें अफसोस नहीं, अभिमान है कि मेखला, निहाल और हमारे अन्य साथी हमारी इस लड़ाई में लड़ते लड़ते पकड़े गए हैं। अगर संकट बड़ा है तो हमारा संकल्प भी बढ़ेगा। हम डरने वाले नहीं हैं। जी हाँ नाना जी, नाना जी। शौकत, अगले हफ्ते जो फॉरेन डेलीगेट्स के सामने पर्चे हमें फेंकने हैं, उनका इंतजाम हो गया है? जी नाना जी, हमारे समर्थक सेठ किला चंद अग्रवाल, उन्होंने हमारे लिए नई प्रिंटिंग मशीन का इंतजाम कर दिया है। गुड। जेनी, ये उस हॉल का नक्शा है जहां पर यह सरकारी अधिवेशन होने वाला है। पुलिस का भारी इंतजाम होगा। यहां इन ग्रीन सीट्स पर हमारे कुछ लोग होंगे जो अचानक भगदड़ करेंगे, पुलिस का ध्यान बटाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज टू सीट्स। ये आगे की दो सीटों पर जेनी तुम और पियू तुम पत्रकार बनकर बैठोगी और फिर तुम इन फॉरेन डेलीगेट्स के सामने स्टेज पर पर्चे फेंकोगी और अंग्रेजी में नारे लगाओगे। इज दैट क्लियर? यस जी नाना जी। व्हाट वी हैव हियर इज, ये काम मैं करना चाहती हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है, गिरफ्तार हो सकती हो। कर पाओगी? अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। इंदू, ये सरकारी अधिवेशन है। इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारे अपने भी शत्रु बनकर तुम्हारे सामने आ सकते हैं। हाथ कांपेंगे तो नहीं? अर्जुन के इरादे हिल सकते हैं, घायल द्रौपदी के नहीं। ये लो पर्चे, और प्लान के मुताबिक भागने के लिए गाड़ी पीछे खड़ी रहेगी। और नाना जी ने कहा है कि जब तक उनकी तरफ से कोई संकेत न मिले, हम सबको अंडरग्राउंड रहना होगा। ठीक है, संभाल के, ऑल द बेस्ट। चले Good evening. On behalf of the Indian government, it's my privilege and honor to welcome the distinguished members of the Parliament of the Commonwealth Nations.
जिताएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा सेवर कुछ न साथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने तक ये देखा है पाने वाला खोता है जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है आज ही समझ ले आज ही समझ ले गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा चीफ का मूड अभी ठीक नहीं है बाहर चल के बात करें चलिए बाहर
जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी है, जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं चलती आज उनकी तुर्बत पर, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चीफ चीफ, मैं आपको क्या बताऊं, वो बस कुछ ऐसा हो गया कि मैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मैंने। मेरी मम्मी एक हिटलर है। नहीं चीफ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं चीफ। पर सारी दुनिया तो कह रही है तुम्हारी गलती की वजह से। सॉरी चीफ, मैं वो तुम्हारे सॉरी कहने से सोवियत रशिया में, सीटियां और अमेरिका में तालियां बजेंगी, बीबीसी तुम्हारे सॉरी पे एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट करेगा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से देश तो छोड़ो पीएम का भी अपमान हुआ है। चीफ, मैंने पुलिस और आईबी सबको, मैंने तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी एंड यू फेल्ड। कल सुबह तुम अपना नहीं 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 चीफ, नहीं प्लीज चीफ, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे सिर्फ एक चांस दे दीजिए, सिर्फ 15 दिन, 15 दिन चीफ, मैं एक एक को पकड़ के खत्म करके रख दूंगा, ये मेरा चैलेंज है चीफ, प्लीज प्लीज चीफ। सरकारें चैलेंजेस से नहीं चाबुक से चलती है। लास्ट चांस दे रहा हूं, पकड़ो उनको और एक एक की परेड कराओ। यस चीफ, थैंक यू चीफ, थैंक यू। आइए आइए फरजाना जी। मिश्रा, सिर्फ 15 दिन है हमारे पास, वो किसी भी संगठन से हो, कम्युनिस्ट, आरएसएस, अकाली, कुछ भी, वो लोग मुझे हर हाल में चाहिए, समझे? सर, ये जी भिंदर का फोन। अरे वो फोन क्यों कर रहा है, उसे यहाँ पर आने के लिए बोलो फौरन। जी सर। हेलो सर। सर फोन सर क्या है ये, आपको यहीं पे बुलाया। सर आप ऐसे कैसे मुझे अचानक निकाल सकते हैं? तो क्या ताम्रपत्र देकर तो मैं विदा करें क्या? पर मेरी गलती क्या है सर? नवीन, इंदु ने जो कुछ भी किया वो तुमने भी देखा था और मैंने भी। अरे मंजू जी, वो पुलिस स्टेशन को अलर्ट करने वाला लेटर, वो तैयार हुआ क्या? जी बस सर, रेडी हो रहा है। लेकिन सर, अब मेरा इंदु के साथ कोई रिश्ता ना रहा, मैं ऑलरेडी तलाक फाइल कर चुका हूँ, अब मंजू जी बाजवा जी से पूछ लीजिए, आप लोग बोलिए ना कुछ। अरे वो तुम्हारी बीवी है कि नहीं, इस पे इंक्वायरी कमीशन बिठाऊं क्या? यहाँ हमारे बीवी बच्चों के ऊपर तलवार गिर रही है। सर एक मौका दीजिए सर, एक मौका सर, प्लीज सर। गॉड, एक ठीक है,
दिया एक मौका। 24 घंटों के अंदर इंदु और उसके साथियों को अरेस्ट करवा सकते हो क्या? बोलो। ठीक है, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। नवीन, तुम प्लीज जाओ यहां से, हमें बहुत काम करना है। प्लीज जाओ, जाओ। और सुनो सर, नथिंग पर्सनल। तुम जानते हो मुझ पे कितना प्रेशर है। हाई कमांड से ऑर्डर है कि न पर्चा फेंकने वालों को, ना उनकी जान पहचान वालों को, किसी को ना छोड़ा जाए। बाकी अगर कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो तो मांग लेना। अरे राम मोहन जी। जी सर। वो होम सेक्रेटरी कितने बजे आने वाले थे? सर 11 बजे। तो हम आपको 125 रुपए दिलवाएंगे सर। घी और अलार्म क्लॉक भी मिलेगा सर। सर इतना मत सोचिए सर, प्लीज करवा लीजिए सर। चलिए सर, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कीजिए सर। चलिए सर, कैंप में चलते हैं। चलिए सर, चलिए। अरे क्या कर रहे सर, सर छोड़ दीजिए सर। अरे सर बात कर लिया। अरे क्या हुआ इसे, पागल हो गया क्या? चोरों में करो नवीन सरकार। जेनिफर अरहाना, ये उस होटल में काम करती थी जहां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहां तक पर्चे पहुंचाने का काम भी इन्होंने किया है। अच्छा। But well, she's now in our custody. उनके साथ थे ये विठल मांझी और ये निहाल पांडे। अब ये लोग उस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेटेजिकली हंगामा मचाते हुए पकड़े गए, और अब वो लोग जो फिलहाल अंडरग्राउंड है वो है शिवम रेड्डी, शौकत आलम, पीयू रॉय और ये इंदु सरकार। ना वेरी इंटरेस्टिंगली, ये नवीन सरकार की एक्स वाइफ है। एंड नाउ टू देयर चीफ। इस हिम्मत इंडिया संगठन के लीडर हैं ये नानाजी प्रधान। सर बहरूपिया की तरह ये इतने भेष बदलते हैं कि ना तो ये हमारे हाथ लगते हैं और ना ही इनकी कोई लेटेस्ट तस्वीर। अच्छा। हमने इन पकड़े हुए एक्टिविस्ट को पूरी तरह से डराया, धमकाया, थर्ड डिग्री टॉर्चर भी किया, पर किसी ने मुंह नहीं खोला कि बाकी के लोग कहां छिपे हैं और उनके आगे का प्लान क्या है। बट अभी अभी एक रेड में हमें एक पुख्ता सबूत मिला है, वह ये 1000 रुपए का नोट। ना 1000 का नोट तो देख रहा हूं मैं, पर ये डॉक्टर कौन है? नहीं नहीं, ये कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। फिर नोट पर आपको ये जो नंबर दिख रहा है, हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है ये दिल्ली के बिजनेसमैन मिस्टर कीलाचंद अग्रवाल का टेलीफोन नंबर है। अच्छा अच्छा। सर हिम्मत इंडिया संगठन को खुफिया फिनांस यही करते हैं सर। अच्छा, हाँ तो दिक्कत क्या है, अरेस्ट कर लेते हैं इस सेठिये को। लो लाइट्स प्लीज। सॉरी मिश्रा जी, लेकिन हम कबड्डी नहीं चेस खेल रहे हैं, और चेस में दुश्मन की नजर पर नजर रखनी पड़ती है, उन्हें गलती करने का मौका दिया जाता है। वहां ओमनाथ जी की तबीयत पे असर पड़ रहा है। चीफ ने 15 दिन का टाइम दिया था, 11 दिन बचे हैं, के जवाब दू जाके, क्या कहूं उनसे? इत्मीनान रखिए मिश्रा जी, जितना प्रेशर आप पर है उतना हम पर भी है। हमारी आईबी सर्विलेंस टीम गीलाचंद अग्रवाल और ऐसे कई सस्पेक्ट्स पर दिन रात नजर रखे हुए है। सो नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी।
आमिला ना, सानी सर से डांट, सुबह से 3 बार फोन आ चुका है। पुलिस अपना काम नहीं करती तो आईबी पे प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन सर अगर हमको जल्दी कुछ ना मिला तो? सब्र करो दिनेश, मुझे लगता है हमें जल्दी लीड मिलने वाली है। देखा आप लोगों ने, फॉरेन डेलीगेट्स के सामने विरोध करने का कितना अच्छा रिस्पांस मिला है हमें इंटरनेशनल अखबारों में। अब हम इस अचूक मौके का फायदा उठाकर विदेश में जाकर विरोध का प्रचार करेंगे। मैंने तय किया कि शौकत तुम, पीयू और इंदु तुम लोग विदेश जाओगे। तुम लोगों के आने जाने का खाने का इंतजाम किलाचंद जी करेंगे। शिवम, किलाचंद जी से फोन करके मेरी मीटिंग फिक्स करो, ओके? क्या हुआ नाना जी? मुझे अब इस नपुंसक लड़ाई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। नपुंसक लड़ाई मतलब? वहां हमारे साथियों पे पुलिस 3rd degree टॉर्चर कर रही है, यहाँ विदेश जाने की बातें कर रहे हैं, अहिंसक प्रचार की बातें कर रहे हैं। ये नपुंसकता नहीं तो और क्या है? जब तक कोई बड़ा धमाका नहीं होता ना नाना जी, ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है। हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। तो तुम चाहते हो कि हम हथियार उठाएं, खून बहाएं? हाँ, अगर जरूरत पड़े तो। बेशक जगह जगह डायनामाइट्स फटेंगे, 2-4 पटरियां उखड़ेंगी, 4-5 पावर स्टेशन उड़ेंगे, तभी यह सड़ा हुआ सिस्टम हिलेगा। चुप! हम डकैत या बागी नहीं है, वैचारिक सेनानी है। ऐसी बातों से सिर्फ तालियां बजती हैं नाना जी, तख्त नहीं बदलते। शिवम, अगर हम भी हिंसा करेंगे तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उस तानाशाही सरकार में? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती कि अगर हम भी हिंसक हो गए तो ये झूठी सरकार दुनिया के सामने नकली आंसू बहाएगी, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर इमरजेंसी लागू रहेगी। मुझे नहीं समझना, आप उतारते रहिए अपनी बांझ अहिंसा देवी की आरती। आज से आप लोगों का और मेरा विरोध का तरीका अलग है। शिवम रुको, जाने दो इसे। सच कहते हैं, क्रांति अपने बच्चों को खा जाती है। हेलो, नमस्ते किलाचंद जी। नमस्कार जी, टिकट बुक हो गई है, आप आगे ले जा सकते हैं। जी अच्छा, जल्द मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, चलिए। जा रहा है दिनेश, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तुम यही संभालो एंड स्टे अलर्ट, ओके? जी सर।
डॉक्टर बत्रा, नमस्कार। भारती जी, आप अंदर जाइए। क्या हुआ? सुनो, शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसको चप्पा देकर यहां मुड़ाया हूं और यहां से निकलना कर रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, कीला चंद का है। कौन कीला चंद? से आने के लिए क्षमा चाहूंगा, सावधानी बरतने के लिए कहीं रुकना पड़ा। ये उन विदेश जाने वाले लोगों के कागजात हैं जो हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी मुहिम के लिए छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए। किला चंद, देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में तुम्हारा योगदान अनमोल है। कैसी बात कर रहे हैं नाना जी? आपने मुझे और मेरे पैसों को अपने काम आने दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरे कीला चंद जी। कीला चंद जी। हाँ हाँ, पता है। एम्बुलेंस में सीधा यहाँ पे आ गए सिनेमा देखो। तभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? सर वो देखो, ओए रुको, बोल
नाना जी और तेरे संगठन के बाकी साथी कहाँ छुपे हुए हैं? बोल। देख, ये सरकार तुम लोगों को छोड़ देगी नहीं। तू और तेरे संगठन के सारे लोग ऐसे ही सारी जिंदगी जेल में घिसटते रहोगे और सड़ते रहोगे, समझी? और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। गुलाम 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 दिख रहे हैं तने हैं? दे इसे थर्ड डिग्री। हाँ भाई, छोड़ बोल। सर वो सिविलियन के साथ बहुत ज्यादती हो रही है सर, बस कीजिए सर। तुझे घड़ी तकलीफ हो रही है, हैं? चल जा, तू मारेगा जा। नहीं सर, ड्यूटी के नाम पर आपने बहुत कुछ करवाया इन हाथों से, यहां तक कि मासूम बच्चे तक उठवा लिए और गर्त में मत डालिए सर। अरे वो सराफत के ताऊ, सोच ले क्या कह रहा है। नौकरी गवा देगा, बाल बच्चे भूखे मरेंगे। सरदार हूं सर, सरदार, गुरु महाराज जी दी फौज, लंगर खा के गुजारा कर लूंगा, लेकिन आज के बाद गलत काम की रोटी हलक से नहीं उतरेगी। मैं इस्तीफा देता हूं सर। जय हिंद। नमस्ते चीफ। चीफ, फॉरेन डेलीगेट्स के आगे पर्चे फेंकने वालों को हमने पकड़ लिया है, वो भी सिर्फ 12 दिनों में। उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए हैं चीफ। चीफ, पार्टी के लिए जान दे सकता हूं मैं लेता हूं। पार्टी के लिए जान दे सकता हूं। ओम नाथ जी, चालू का रेता छोड़िए, तेज सेवा में ध्यान दीजिए। चीफ, यहां पर साइन आपके लगेंगे, ठीक है? इंदु जी, कोर्ट ने मुझे आपका वकील अपॉइंट किया है। सरकार आपको और आपके संगठन को पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं, खतरनाक क्रिमिनल मानती है। और मैं इस सरकार को सरकार नहीं मानती। देश विरोधी प्रवृत्ति में अगुवाई करते थे? देश विरोधी नहीं, सरकार विरोधी। जज साहब, हम पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं। आपने नक्सलाइट लोगों से मिलकर ये डायनामाइट हासिल किया था? जी हाँ। आप अपने हिम्मत इंडिया के साथियों के साथ मिलकर जगह जगह ब्लास्ट करना चाहते थे? जी नहीं, ये झूठ है। मेरे साथियों की इसमें कोई भूमिका नहीं, मैं उनको बहुत पहले ही छोड़ चुका था। आप अपने ऊपर लगे सारे आरोप कबूल करते हो? जी हाँ, गर्व है मुझे, गर्व है मुझे इन आरोपों पर। आपने हिंदू सरकार और नक्सली बच्चों को पनाह दी थी? वो नक्सल नहीं थे, आम लोग थे, मेरे जैसे, आप जैसे। जज साहब, हाँ हम लोग एक ही संगठन से हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें किसी की जान को नुकसान हो। हाँ तो मिस हिंदु, आप हिम्मत इंडिया संगठन के इन लोगों को जानती हैं? जी। आपने विदेशी मेहमानों के सामने सरकार विरोधी पर्चे फेंके थे? जी।
आपने और आपके साथियों ने मिलकर नाना जी के नेतृत्व में देश के खिलाफ हिंसा का प्रचार किया था? नहीं, नहीं। क्या आपने पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर छीनकर नाना जी की भागने में मदद नहीं की थी? बताइए। यू नो यू आर ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, डू यू एक्सेप्ट इट? जवाब दीजिए मिस सिंधु। हो गया, पढ़ लिया आरोपनामा। जज साहब, मैं मानती हूं कि मैंने विदेशी मेहमानों के आगे नारे लगाए थे और पर्चे भी फेंके थे। नो योर ऑनर, सिर्फ पर्चे नहीं फेंके थे, इन्होंने अपने साथी शिवम रेड्डी के साथ मिलकर रेल की पटरी और पावर स्टेशन को डायनामाइट से उड़ाने का प्लान किया था। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ एक अहिंसात्मक विद्रोह किया था। करना पड़ा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सब चुप हैं, और अगर सब चुप हैं तो किसी ना किसी को तो चीखना पड़ेगा। अगर मेरी चीख गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। आज 30 साल की आजादी 20 सूत्री प्रोग्राम के तले दबी हुई है। नसबंदी, प्रेस बंदी, मोर्चा बंदी, हर तरफ पाबंदी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी मानवता मिसा के तहत जेल में बंद है और बोलने की आजादी को रोज फांसी दी जा रही है। मिस सिंधु, प्लीज कम टू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सारा देश भटक गया है पॉइंट से। कुछ लोग कहते हैं कि देश में अनुशासन है, अनुशासन नहीं, शासन का डर है। मिस सिंधु, इनफ, इनफ इज इनफ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, लेट हर स्पीक। सारा देश यही कह रहा है, इनफ। तो क्या सारे देश को जेल में डाल देंगे? जज साहब, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूं और ना कभी थी। मैं देश के बाकी लोगों की तरह एक मामूली सी चुपचाप सी जिंदगी जिए जा रही थी। मेरे पति सरकारी अफसर थे, फिर भी मुझे नहीं पता चला कि इमरजेंसी कितनी बड़ी बला है। एक दिन यूं ही चलते चलते मैं गली में मुड़ गई और अचानक से मेरे सामने दो बच्चे आ गए। उसी पल से मेरी जिंदगी अलग ही दिशा में बदल गई। मैं तो सिर्फ उन बच्चों के पिछड़े हुए मां बाप ढूंढ रही थी, और वो बच्चे मुझ में अपनी मां। वो बच्चे कहां हैं, किस हाल में हैं, किसी को नहीं पता। मुझसे छीन लिए गए थे वो बच्चे और फिर खो गए इमरजेंसी के अंधेरे में। अगर मासूम बच्चों के लिए आंसू बहाना गुनाह है तो हाँ,
मैं गुनहगार हूं, 100 बार गुनहगार हूं। और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कोर्ट के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आरोपी के असली मकसद की बारीकी को हम समझ पाते हैं, हम उसे सहानुभूति से देख पाते हैं, पर फिर भी कुछ कर नहीं पाते। इंदु और उनके साथियों के आक्रोश को समझते हुए भी अदालत आखिरकार आज के कानून के आगे लाचार है। कोर्ट इज अर्जेंट टिल 3 फरवरी फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। कोर्ट में तुम्हें बोलते सुनकर लगा कि मैंने इस आवाज को दबाना चाहा था। दरअसल तुमने मुझसे शादी की थी और मैंने अपने सपनों से, एम्बिशन से, जिन्होंने मुझे शैतान बना दिया था। कमाल है ना, गलतियां मैंने की और सजाएं तुम्हें मिली। मुझे माफ कर देना ये कहने का तुम्हें हकदार नहीं, पर हां, वो दो बच्चे अगर मिले तो मेरी ओर से उनसे माफी जरूर मांग लेना। इंदु, तुम एक बहुत अच्छी बीवी थी और उसे भी ज्यादा एक निर्भय औरत, एक सच्ची इंसान, तुम्हारा नवीन। शो हमें इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल सकती है? जी हाँ सर, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आज इमरजेंसी हटाई जाए और 3 महीनों में चुनाव हुए तो हमें 320 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। जनवरी 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी गई। 19 महीने की वो काली लंबी रात आखिर खत्म हुई। मुझे और मुझ जैसे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया और हमारे खिलाफ सारे केसेस रद्द कर दिए गए। कहते हैं हर महान क्रांति की एक उम्र होती है, पर जब मैं बाहर आई तो मेरे सामने सारी उम्र पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी।